वेलकम टू क्रिएटिव वर्ल्ड। ये है इंकस्केप का बेसिक टिप्स ट्यूटोरियल और आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म पैनल। ट्रांसफॉर्म पैनल क्या है, किस तरह से यूज मिलेंगे आज की क्लास में, वो सब देखेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव वर्ल्ड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म पैनल का पैनल को लाने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एम, या फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म पैनल। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये पैनल यहाँ आ जाता है। इस पैनल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ, कुछ इस तरह से। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इसी तरह से आता है, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मूव, स्केल, रोटेट, स्क्यू, मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स को सबसे लास्ट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं मूव से, और इसको समझाने के लिए मैं इस आर्ट मोड को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से। और एक शेप मैं ड्रॉ करता हूँ, एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया। अब स्टार्ट करेंगे मूव से। मूव होता क्या है, मूव का मतलब कुछ इस तरह से आप कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, ठीक है। यह आप मैनुअल भी कर सकते हो और कोई वैल्यू डाल के भी यहां से कर सकते हो, ठीक है। अब मैनुअली का मतलब आप कहीं पे भी किधर भी मूव कर सकते हो, पर अगर आप यहाँ पे वैल्यू डाल के करोगे वो बिल्कुल एक्यूरेटली होगा, ठीक है। उसको समझाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे आपको मिलेगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल। और यहाँ पे देखिए यूनिट्स है, ये बाय डिफॉल्ट एमएम में ही आता है, और भी कई सारे हैं जैसे कि पिक्सल, सेंटीमीटर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट एमएम में ही रहने दूंगा। और हॉरिजेंटल में अगर मैं कोई वैल्यू डालूं, मैं इसको 10 यहाँ पे डाल रहा हूँ, यानी कि 10 mm। हमने यहाँ पे जो यूनिट्स सेलेक्ट किया है वो mm में है, तो जो भी हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे वो mm में होगा, ठीक है। अब ये हॉरिजेंटली 10 mm मूव होगा, यानी कि राइट की तरफ। ये देखिए एरो दिखा रहा है, यानी कि ये राइट की तरफ 10 mm मूव होगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, ये 10 mm मूव होता है। तो जितनी बार मैं अप्लाई करूँगा उतनी बार वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से 10 mm मूव हो रहा है, राइट। मैं अंडू कर रहा हूं। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे है जी वर्टिकल, और ये वर्टिकली जैसे हम यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे तो ये ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे एरो दिखा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हॉरिजेंटली इसको जीरो कर देता हूँ और वर्टिकली में आके 10 कर देता हूँ, यानी कि 10 mm। तो ये मूव होगा 10 mm, और मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ ये 10 mm मूव होता जा रहा है। जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार वो अपनी पोजीशन से 10 mm मूव हो रहा है, राइट। अब देखिए मैं इसका एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कंट्रोल डी से मैंने डुप्लीकेट किया और उसका कलर मैंने चेंज कर दिया। ये देख सकते हो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट इसलिए मैंने क्रिएट किया है ताकि मैं और अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहते हैं जी इस रेड ऑब्जेक्ट को इस ग्रीन ऑब्जेक्ट के यहाँ पे लेके आए कुछ इस तरह से, तो आप मैनुअली भी ला सकते हो, पर अगर आप इस पैनल के थ्रू लाएंगे, ट्रांसफॉर्म पैनल के थ्रू, ये बिल्कुल एक्यूरेटली आएगा। देखिए अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे कम गैप है। तो अगर आप मैनुअली लाएंगे तो कुछ इसी तरह से होगा, पर अगर मैं अंडू कर रहा हूँ इसको और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ हॉरिजेंटली, मैं इसको 10 mm मूव कर, यानी कि ये हॉरिजेंटली मूव होगा राइट की तरफ, तो ये 10 mm गैप यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। ये यानी कि अपनी पोजीशन से
10 mm मूव होगा। अब मैं अगर वर्टिकली में भी 10 वैल्यू दे देता हूं तो ये क्या होगा, ये वर्टिकली यानी ऊपर की साइड में ये 10 mm अपनी पोजीशन से मूव होगा। तो मैं अप्लाई करता हूं तो ये देख सकते हो आप। सो जितनी बार आप अप्लाई करोगे वो उतनी बार उतने ही पोजीशन में मूव हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको यूं भी देख सकते हैं कि मैं अंडू कर रहा हूं और फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब मैं अगर इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लूं, कलर चेंज कर दूं, अप्लाई किया, फिर से डुप्लीकेट किया, कलर चेंज किया, अप्लाई किया, तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो, राइट। मैं अंडू कर रहा हूं। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं, रिलेटिव मूव। अब देखिए जितने भी हमने अभी वर्क किया है अभी वो सब रिलेटिव मूव पर ही किया है। ये रिलेटिव मूव क्या चीज़ है, अगर इसको चेक रहने देंगे तो क्या हो रहा है, नहीं चेक रहने देंगे तो क्या होगा, उसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ रखता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा और इनकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से, राइट। इनको मूव करता हुआ मैं यहां लेके आया और कुछ इस तरह से, राइट। आप देखिए मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं ये जो ऑप्शन है इसको मेरी मानिए तो हमेशा चेक रहने दीजिए, ये कोई खास इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करता है ये। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियर का बटन है, अब क्लियर करोगे तो यहाँ जो भी आपने वैल्यू डाला है वो सब जीरो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रिलेटिव मूव में अनचेक कर देता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू दिखा रहा है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये क्या चीज है, ये जो है ये आपके इस आर्बोर्ड की पोजीशन बता रहा है। इस रूलर बार को देखिए, आप इस रूलर बार के मुताबिक आप जहां इसको मूव कर रहे हो वहां का वो पोजीशन बता रहा है आपने इस आर्बोर्ड में किस जगह इन ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। ये कोई उतना यूजफुल ऑप्शन नहीं है तो मैं हमेशा इसको चेक रखना चाहूंगा, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाते हैं, अप्लाई टू ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली, ये क्या चीज है। अभी अनचेक है और मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल में 10 कर देता हूं और अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप एक साथ मूव होगा 10 mm। तो अप्लाई किया तो एक साथ मूव हो रहा है, फिर से अप्लाई कर रहा हूं फिर एक साथ मूव हो रहा है, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूं। अब देखिए मैं अगर इसको चेक कर देता हूं तो ये करेगा क्या, ये पूरा ग्रुप जो है अपनी जगह से मूव भी होगा और हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से 10 mm की गैप में आ जाएगा, यानी कि अपनी जगह से भी मूव होंगे और हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से 10 mm के गैप में आएंगे। तो अगर मैं अप्लाई करता हूं तो देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूं, फिर से अप्लाई कर रहा हूं, कुछ इस तरह से ये काम करता है, राइट। तो अप्लाई टू ईच सेपरेटली ये जो ऑप्शन है ये आपको सब में मिलेंगे, स्केल में भी मिलेगा आपको, रोटरेट में भी मिलेगा, स्क्यू में भी मिलेगा, ठीक है। अब स्केल में आ जाते हैं, स्केल क्या चीज है, स्केल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट को आप बड़ा या छोटा कर रहे हो, यानी कि कुछ इस तरह से स्केलिंग करना या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूं और ये जो भी ऑब्जेक्ट है चाहे एक सेलेक्ट कर लीजिए चाहे पूरा ग्रुप, ये 100% है। अब मुझे इसको स्केल अप करना है यानी कि बड़ा करना है, तो 100% से आप बड़ा कर सकते हो। मैं 150 कर देता हूँ विद में और 150 कर देता हूँ हाइट में, करता हूँ ये क्या होगा, स्केल अप हो जाएगा, राइट। अंडू करता हूँ मैं, अब मैं हाइट में कर देता हूँ 90, ठीक है।
अब अगर मैं यहां ध्यान दिलाऊं आपको, तो यहां देखिए यूनिट्स में हमने परसेंटेज किया है, ठीक है, ये उसी तरह से काम करेगा। यानी कि हमने अगर हाइट में 90 डाला है, यानी कि 100 से 10% हमने माइनस कर दिया है, ठीक है, और 10% हम यहाँ पे माइनस करके 90 करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये 10% स्केल डाउन हो गया या फिर स्केल हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। अब अंडू कर रहा हूं मैं और एक और सिंगल ऑब्जेक्ट पर दिखाता हूं आपको। सेलेक्ट किया मैंने और अप्लाई कर दिया, ये 10% यहां से भी कम हो गया, यानी कि हाइट से, और 10% यहां से भी, यानी कि विड्थ से, ठीक है। अब अंडू कर रहा हूं मैं और इसका एक डुप्लीकेट कर रहा हूं कंट्रोल डी से, उसका कलर चेंज कर रहा हूं और अप्लाई कर दिया मैंने कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट और कर दिया मैंने, कलर चेंज कर दिया, अप्लाई, डुप्लीकेट, कलर चेंज कर दिया, अप्लाई। तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो, राइट। अब यहां पे आ जाते हैं स्केल प्रोपोर्शनली। स्केल प्रोपोर्शनली क्या चीज है, देखिए कोई भी चीज आप अगर कंट्रोल प्रेस करते हुए इस रीसाइज हैंडल को इस तरह से बड़ा या छोटा करते हो इस ऑब्जेक्ट को, तो ये हो रहा है प्रोपोर्शनली, यानी कि चारों तरफ से ये बड़ा भी हो रहा है और छोटा भी हो रहा है, स्केल अप भी हो रहा है, स्केल डाउन भी हो रहा है। पर अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करते हो और इसको स्केल अप स्केल डाउन करते हो, या इस तरह से करते हो या फिर इस तरह से करते हो, तो ये प्रोपोर्शनली नहीं होता है, ठीक है। आपको प्रोपोर्शनली करने के लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको स्केल अप स्केल डाउन करना है। वही चीज इसमें भी अप्लाई करेंगे। सबको सेलेक्ट किया मैंने, अगर स्केल प्रोपोर्शनली, अब देखिए मैं इसको प्रोपोर्शनली में चेक कर रहा हूं, और अगर मैं अप्लाई करूं ये प्रोपोर्शनली अभी भी होगा, क्योंकि विद एन हाइट में हमने सेम एक ही वैल्यू दिया है। अब एक हाइट को मैं 100 कर देता हूं और विद को मैं 90% भी रहने देता हूं और अप्लाई करूंगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं। अब देखिए विद में 90% ही है और हाइट में भी 90% है, क्योंकि स्केल प्रोपोर्शनली में हमने चेक कर दिया है। अब इसको अनचेक कर देता हूं मैं, अंडू कर देता हूं, वापस से मैं हाइट में 100 कर दूंगा, और इस बार अगर मैं अप्लाई करूंगा तो जितनी वैल्यू मैंने दी है उतना ही रहेगा, यानी कि विद में 90 और हाइट में 100। तो अप्लाई किया कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये देखिए हाइट जो है इसकी 100% है, लेकिन जो विद है वो कम हो गया, यानी कि 10% कम हो गया, राइट। अप्लाई टू ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली यहाँ पे भी है, ये बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोटरेट में चलते हैं, और अब मैं आपको ये समझाऊंगा पहले कि रोटरेट है क्या चीज। तो देखिए जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो बाउंडिंग बॉक्स के साथ आपको रीसाइज हैंडल भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पर एक बार और अगर हम क्लिक कर दें तो ये हैंडल आप देख रहे हो चारों कोनों में जो है ये मुड़ गए हैं, इसका मतलब ये रोटरेट के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, आप इसको रोटरेट कर सकते हो। रोटरेट का मतलब क्या है, इस तरह से रोटरेट करना या फिर इस तरह से रोटरेट करना, इसको कहते हैं रोटरेट करना, ठीक है। अब रोटरेट दो तरीके से होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आप इस तरह से अगर रोटरेट करें, ये हुआ क्लॉकवाइज, राइट, और ये हुआ काउंटर क्लॉकवाइज, राइट। अब देखिए यहां पे, यहाँ आप यूनिट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे यूनिट्स जो है वो बाय डिफॉल्ट डिग्री में ही आता है, तो मैं इसी में रहने दूंगा। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डालकर इसको रोटरेट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं इसको
15 डाल रहा हूँ, यानी कि 15 डिग्री में ये रोटेट होगा। सो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, वही चीज एक क्लॉकवाइज, ठीक है, एक क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है जो कि अभी मैंने समझाया था, और एक काउंटर क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है काउंटर क्लॉकवाइज को और ये 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे दी है, तो इसका मतलब ये काउंटर क्लॉकवाइज में 15 डिग्री रोटरेट होगा, राइट। सो मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ ये रोटरेट हो गया। इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं इसका डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल डी से, और उसका कलर चेंज कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। फिर से डुप्लीकेट किया, कलर चेंज, अप्लाई, डुप्लीकेट, कलर चेंज, अप्लाई। सो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, अप्लाई टू ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली, ठीक है। तो मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट में चलते हैं स्क्यू। मैं इन सब को अभी डिलीट कर रहा हूँ, इन सब को भी डिलीट कर रहा हूँ, और एक और मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। और स्क्यू क्या चीज़ है, देखिए अगर हम सेलेक्ट करें इस तरह से, और इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद बाउंडिंग बॉक्स के साथ ये रिसाइज हैंडल आया था, एक बार और क्लिक करें तो हर कोने में आपको रोटरेट हैंडल तो मिलते ही है, साथ में ये जो हैंडल होते हैं इसको स्क्यू हैंडल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर है, ऊपर और नीचे वाले, ये है हॉरिजेंटली स्क्यू, यानी कि अगर आप इस तरह से करें तो हॉरिजेंटली कर रहे हो, या फिर इस तरह से करोगे हॉरिजेंटली कर रहे हो, ठीक है, या फिर इस तरह से, और इस हैंडल से करोगे तो ये वर्टिकली आप स्क्यू कर रहे हो कुछ इस तरह से, राइट। अब ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, स्क्यू सेलेक्ट किया हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। एक बात का याद रखिए, स्क्यू में वर्टिकल या हॉरिजेंटल दोनों में से एक में आपको वैल्यू देना है। अब दोनों में वैल्यू देंगे तो क्या होगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो मैं यहां पे यूनिट्स में मैंने सेलेक्ट किया जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था डिग्री, और यहां पे मैं इसको 10 डिग्री स्क्यू करूंगा हॉरिजेंटल में, और अप्लाई कर दिया तो ये 10 डिग्री हॉरिजेंटल में स्क्यू हो गया, और मैं इसको 45 डिग्री इसको स्क्यू करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, पर अगर मैं वर्टिकल में भी 45 कर देता हूँ और अप्लाई कर देंगे तो होगा क्या, तो जितनी बार मैं इसको अप्लाई करूँगा, ये देखिए ये कुछ स्केल अप की तरह होता रहेगा, ठीक है, रोटरेट भी हो रहा है और वो स्केल अप भी हो रहा है, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए इसको स्केल डाउन कर देता हूं, ठीक है, यहां सेलेक्ट किया, वही वैल्यू है 45 डिग्री, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और अप्लाई करेंगे तो अप्लाई जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वो 45 डिग्री स्केल भी हो रहा है, रोटरेट भी हो रहा है कुछ इस तरह से। तो कभी स्क्यू में अगर आप वैल्यू दें तो या तो हॉरिजेंटली में दे या वर्टिकली में दे, या तो दोनों में एक बराबर वैल्यू ना दे कभी भी, राइट। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या चीज, ऑलराइट, सो मैट्रिक्स में आपको ए बी सी डी ई एफ कई सारे वैल्यू डालने के लिए आपको मिल जाएंगे, पर इसको घबराइए नहीं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये एक्चुअली मैट्रिक्स स्केल, रोटरेट और स्क्यू एक साथ करता है, ठीक है। आप स्केल भी कर सकते हो, रोटरेट भी कर सकते हो, स्क्यू भी कर सकते हो एक ही क्लिक में, एक ही साथ, पर होगा क्या कि ये किसी काम का नहीं है, मेरे को नहीं लगता है कि कभी आपके किसी काम आएगा मैट्रिक्स, क्योंकि आप कभी भी रोटरेट करते हुए स्क्यू नहीं करना चाहोगे, या स्क्यू करते हुए उसको कभी भी स्केल नहीं करना चाहोगे, ठीक है। ये काम आप मैन्युअली ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो, कोई वैल्यू डाल के आप शायद ये नहीं कर सकते हो। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, ए और डी जो है स्केल के लिए है। अगर मैं ए में और डी में, देखिए बाय डिफॉल्ट 1 1 आ रहा है,
इसको वैसे ही रहने देते हैं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि ए और डी जो है स्केल के लिए है, स्केल यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के लिए ए है और हॉरिजॉन्टल के लिए डी है, ठीक है। उसी तरह से बी और सी है वो रोटेट के लिए है और ई और एफ है स्क्यू के लिए है। तो अगर मैं बी में यानी कि मुझे इसको रोटेट करना है 0.15 और सी में भी 0.15 मैं कर देता हूँ और इसको अप्लाई अगर मैं करूँ तो देखिए क्या होगा, ये स्क्यू भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अब इस तरह से क्या करोगे, आप अप्लाई करते जाइए, ये हर बार अपना शेप बदलता रहेगा। सो मुझे नहीं लगता ये कभी आपके किसी काम आएगा, ठीक है। ई और एफ में स्क्यू कर सकते हो, मैं यहाँ पे भी कोई वैल्यू डाल के आपको दिखा देता हूँ, 0.5 कर देते हैं इसको, इसको भी 0.5 कर देते हैं और अप्लाई। तो अभी कोई खास पता नहीं चल रहा, मैं थोड़ा ज़्यादा वैल्यू डाल देता हूँ इसमें, 25 कर दिया, 0.25 और 0.25 देन अप्लाई, कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे है एडिट करंट मैट्रिक्स, ये अनचेक ही आता है, आप चेक कर लोगे तो ये क्या होगा, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। सेम वही चीज़ है, ये आपको रूल बार के मुताबिक ये आपको पोजीशन यहाँ पे बताएगा। ये देखिए आप इस आर्टबोर्ड में किस पोजीशन पे उसको रख रहे हो, ठीक है, इसको अनचेक ही रहने दीजिए और दैट्स इट। और ये जो क्लियर का बटन है इसके लिए भी मैं बता चुका हूँ, कोई आपने वैल्यू डाल दिया हो, दोबारा आप यूज़ कर रहे हो, कोई दूसरा वैल्यू डालना है तो आप पहले क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपने पहले कोई वैल्यू डाली है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि आज का क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। अगले इंकस्केप के बेसिक टिप्स क्लास में हम किसी और नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।